हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरा नहाना धोना पूजा पाठ हो गई है सब। नाश्ता नहीं हुआ है, नाश्ता तो वही मैं 8:30-9 बजे तक करती हूँ। और बात करते हैं सितारा की। सितारा, देखिए, मेरा तो एक मानना है कि आप ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ खड़े रहिए। ऑनेस्टी से सच्चाई के साथ खड़े रहिए, जीत आपकी होगी। है ना, उस बच्ची को परेशान कर रखा है इन लोगों ने। अब क्या है, अब कल इतनी वीडियो बनी है इस बात के लिए, इतनी वीडियो बनी है कि साहब असगर ने अपनी कम्युनिटी पर लगा दिया है कि मतलब मैं ने ये किया है, उसने अपने शब्दों में कहा है कि मैंने ये किया है और मैं इसे करता हूँ ना। हाँ, उसमें उसने क्या किया है ना तो ये लिखा है, ना उसमें किसके साथ किया है ये लिखा है, ना उसमें ये कहीं कुछ है कि ये असगर ने लिखा है। ये जो उसकी औरत है ना, बहुत तेज और बहुत वैसी औरत है जो समझ लीजिए, मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास देखिए बहुत अच्छा इंसान होता है उसके लिए भी शब्द नहीं होते, बहुत ख़राब इंसान होता है उसके लिए भी शब्द नहीं होते। तो मैं क्या कहूँ कि कैसी लेडी है वो, गंदी नाली का कीड़ा है, है ना। तो उस हो सकता है उसने कह के किसी से उसके चुपचाप उसकी कम्युनिटी पे लगवा दिया या जो भी कुछ है, लेकिन अगर असगर ने भी ये बात कम्युनिटी पे लगाई है तो एक बात समझिए, उसने ना किसी का नाम लिखा है, ना अपना नाम लिखा है, ना किसी के साथ लिखा है, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, अगर उसने ये गुनाह कबूल किया है तो पता है सऊदी में इसकी क्या सजा है। इसे आसान मत समझिए, इस चीज़ को ऐसे कर करके ना उनको डरने दीजिए कि हाँ अगर हम करेंगे तो हमारे साथ भी ये गलत होगा, क्योंकि वो उसे व्लॉगिंग करने के लिए रोक रहा है, वो व्लॉगिंग फेस दिखा के व्लॉगिंग करने के लिए रोक रहा है, वो बच्चों को व्लॉगिंग में लाने के लिए रोक रहा था, वो सब कुछ ले आई। अब उसे और जो 3-4 लोग बैठती हैं लाइव पे रात को, ओहो कितनी गंदी में सोच है। सितारा के सपोर्टरों को उन्होंने पता क्या कहा है, सितारा के सपोर्टरों को उन्होंने तवायफ कहा है। क्या होती है तवायफ, शायद आप अच्छे तरह से जानती होंगी, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं, आपके घर में, आपके परिवार में कहीं ना कहीं वो कोई होगी, इसलिए आप उसको अच्छी तरह से जानती हैं और आपके मुंह पे वो नाम आता है, समझे। मैं उनकी लाइफ सुनती हूँ, आते हैं सब लोग, आती हैं 3 या 4 और बैठ जाती हैं, और कितने होते हैं लाइव पे, 100-200-250, इससे ज़्यादा नहीं होते, 150-200 जुड़ते नहीं है लोग, जुड़ते या 2-4-5 ज़्यादा नहीं जुड़ते। क्या मतलब होता है तवायफ का, आप जानती हो। अगर कोई उसके सपोर्टर, कोई वो भी हो सकती है जो अल्लाह के तुम्हारे बहुत करीब हो, जो अल्लाह के लिए हिदायत देती हो, वो भी तो कोई उसकी सपोर्टर हो सकती है। आपके इस्लाम में ये लिखा है, ऐसा बोलना लिखा है। आप तो अपने को बहुत पढ़ी लिखी प्रेजेंट करती हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, कहती हैं, क्या मतलब है। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो डेट सेट, बात खत्म करो ना, मत देखो उसका व्लॉग, जरूरत क्या है। अगर आपको गॉसिप करनी है तो एक अच्छी गॉसिप करिए, गलत गॉसिप मत करिए। क्या तरबियत है आपकी, आपके बच्चे क्या सीखेंगे आपसे, आपको पता है। आप ये बात करती हो क्या, आप बात बात बीच बीच में ये भी कहती हो कि अरे मेरा बच्चा उठ गया, मैं बच्चे को सुला रही हूँ, या बच्चे पास में खड़े हैं, या बच्चे ये कर रहे हैं। आप अगर सलमा की इतनी बड़ी सपोर्टर हैं तो आप उसे सीधे कोर्ट ले जाइए ना, केस करवाइए उससे। पैसा, अगर अब आप कहोगे कि उसके पास इतना वो नहीं है, पैसा नहीं है, वो जॉब करती है, ये तो वो भी उसी का किया धरा है। आदमी अपनी गलतियों की सजा भुगतता है, अब वो तो भुगतता ही भुगतता है, आने वाली पीढ़ी भी भुगतती है। आप लगाइए ना पैसा, आप तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप पैसा लगाइए, आप उनके सपोर्टर हैं ना, कोर्ट तक ले जाइए, कानून तक ले जाइए, कानून सबके लिए बना है, समझे। ये नहीं है कि बैठे हुए केवल गॉसिप करना, किसी का घर बर्बाद हो रहा है आप उसकी मजाक बनाना, ये मजाक ही बनाना है सलमा जी की, आप सलमा जी की मजाक ही बना रही हो, आप उसके सपोर्ट में नहीं हो। आप चाहती हो कि ये चलता रहे और हम बातें करते रहें, अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो आप बात क्या करेंगी, फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं होगा। आप चाहती हैं ये, आप सपोर्टर नहीं हो, आप दुश्मन हो, कहते हैं ना। और पता है जब सलमा वीडियो बनाती थी ना, और ऐसा कुछ नहीं था, 40 या 45 हज़ार से ज़्यादा उनके व्यूज़ नहीं बढ़ते थे, आते थे बस इतने ही आते थे, वो भी सितारा की वजह से आते थे, समझे। लेकिन अब
1 लाख से ऊपर आते हैं, और यही सलमा को करना था, बस यही चाहती थी सलमा और कुछ नहीं चाहती थी। उसने अपना घर बर्बाद करके सोशल मीडिया पर अपने घर की बातें लाकर ये व्यूज़ कमा लिए हैं। आपके घर में अगर ऐसा हुआ भी था तो ये आपकी सगी बहन थी, आप घर में बैठ के बात करती, घर में बैठ के बात निपटाती, आपके घर में परिवार में बड़े लोग इतने हैं, सब में बैठते और उस बात को ख़त्म करते, ना कि आपने सोशल मीडिया पर आकर बात की, आपने करी बात, समझे? और ये भी नहीं सोचा कि मैं जिसके लिए कह रही हूँ वो कौन है। और आप कह रहे हो ना कि वो चाचा जो बैठ जाती हैं शाम को लाइव पर, वो कह रही है ना कि वो सितारा का बाप है जो सितारा के सपोर्ट में बोल रहा है, तो तुम्हें ये नहीं पता कि वो सलमा का भी बाप हो गया? तुम तो सलमा की सपोर्टर हो। अरे बोलने से पहले कुछ तो सोचो यार, कुछ तो सोचो। सलमा ने कितना कुछ कहा, कितना कुछ कहा कि मुझे टॉर्चर किया, मुझे ये किया, मुझे वो किया, एक भी सबूत सलमा दिखा नहीं पाई। जब आप सोशल मीडिया पर आकर झूठ बोल सकती हो, तो अगर सच्चाई कहीं है तो उसका एविडेंस तो आप दिखा सकती हो, एविडेंस दिखाइए। दिखाती हैं आप? आपने एक भी एविडेंस ना टॉर्चर का दिखाया, ना सितारा का दिखाया कि ऐसा कुछ गलत है, फिर कह दिया कि वो डिलीट करा दी। डिलीट नहीं होती है, होटल की कोई भी बात डिलीट नहीं होती है, एक एक रिकॉर्ड उनके पास रहता है आगे के लिए। अगर वो डिलीट करते हैं तो इसका आप कानून से सहारा ले सकती थी कि इन्होंने डिलीट कर दिया है, हो ही नहीं सकता कि वो डिलीट कर दें होटल वाले, ऐसा कुछ था ही नहीं। आप क्या दिखाती? आप कुछ नहीं दिखा पाई। और आप वहाँ से भागकर पाकिस्तान इसलिए आई थी क्योंकि उसने कहा था आपके हस्बैंड ने कि मैं जान से मार दूंगा। कोई आप होटल की डिटेल निकलवाने नहीं आई थी क्योंकि कुछ सच था ही नहीं। और बताऊं, सितारा ने केस तो मार्च में ही कर दिया था, समझे आप? मार्च में ही केस कर दिया था और रिजल्ट एकदम से देखे, कानून में टाइम लगता है, और अब भी जो आया है निकल के इसमें भी टाइम लगेगा। अभी आप लोग कह रहे हैं कि नहीं हम सितारा की दिखाएंगे, दिखाइए जो दिखाना है दिखाइए, पिंक नाइटी, ब्लू नाइटी, ब्लैक नाइटी, जो भी दिखानी है उस बारे की बात दिखाइए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? लेकिन जीत जो है एंड में सच्चाई की होती है। मैं इतना ही कहूँगी, आप किसी को इतना परेशान मत करिए कि अगर वो रोए तो उसके आंसू आपके लिए अजाब बन जाए। इतना आप किसी को कभी टॉर्चर मत करना। आपने अगर वो अपनी छोटी बच्ची लाइव दिखा देती है वीडियो में, तो आप कहती हो देखो आजकल वो छोटी बच्ची ज्यादा दिखा रही है क्योंकि वो किसी और की है ना, इसलिए दिखा रही है, छोटी उसे ज्यादा दिखा रही है ना, तो उसे बेचारी ने अपने दोनों बच्चे सारे बच्चे दिखाने शुरू कर दिए। छोटा बच्चा क्यूट होता है, उसकी बातें क्यूट होती हैं, ज्यादातर फैमिली छोटे बच्चों को दिखाते हैं और उसकी क्यूटनेस जो है ऑडियंस को पसंद आती है। ये थोड़ी है कि बड़े बच्चे दिखा, बड़े बच्चों में वो मतलब बड़े बच्चे जो है जो बोलते हैं समझदारी से बोलते हैं, उन्हें पता होता है कि हम गलत और सही क्या बोले, इतनी तैयबा नहीं बोलती जितनी आयत शैतानियाँ करती है। तैयबा थोड़ी कर देगी शैतानियाँ, वो थोड़ी समझदार है, तो इसलिए आयत को दिखा देती। तो तुमने इस बात का भी इशू बना लिया, अगर वो ड्रेस पहनती है इस बात का इशू बना लेते हो, अगर वो खाना खाती है अच्छे से तो इस बात का इशू बनाते हो, अगर वो चाय का जिक्र करती है तो उसका इशू बनाते हो, जो चाय तो सितारा की ही मशहूर है, और सितारा की तो आप वो नहीं कर सकते, बराबरी कर ही नहीं सकते। उसे पब्लिक चाहती है, पब्लिक उससे प्यार करती है, समझिए। और एक बात और बता दूं, अगर गलत काम करने वाली औरत का भी आप पिक्चर सेंड करते हैं तब भी आप सेक्शन 21 के तहत आते हैं। आप कह रहे हैं ना हम ये दिखाएंगे हम वो दिखाएंगे, कुछ भी दिखा दो आप सेक्शन 21 के तहत आते हो और आपको 5 साल की आपको अरेस्ट होना ही है। वो एक बस एक ही रास्ता है कि आप सितारा से सॉरी बोल दो, माफी मांगो। आज के लिए इतना ही, मुझसे रहा नहीं गया। कल मैंने कई वीडियो में जिसकी देख रही वीडियो जिस मतलब कट कर करके जितनी आ रही सामने, क्योंकि सितारा को फॉलो कर रखा है तो सितारा के सारे जितने थे सब आ रहे। रात मैंने एक वीडियो देखी मैडम की, बहुत अच्छी लगी, सितारा की सपोर्टर है। सपोर्टर क्या है? सपोर्टर कोई नहीं होता, देखिए जिसे जो सच्चाई लगती है वो एक होता है कि इंसान से प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो उनकी सपोर्टर है, सपोर्टर मैं भी हूँ लेकिन सच्चाई का साथ दूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको अच्छी वीडियो के साथ। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट। ओके बाय।